नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिजनेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे मार्केटिंग पर, कि मार्केटिंग के विषय पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, मार्केटिंग को थोड़ा समझते हैं। अभी देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेते हैं व्हाट इज द मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक पूरी की पूरी सीरीज है दोस्तों, कंटिन्यूसली सीरीज है। क्या सीरीज है? देखिए दोस्तों, समझते हैं मार्केटिंग को। मार्केटिंग इज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज फॉर रिसर्च, क्रिएटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफर, के जो ऑफर को एक्सचेंज करने का, डिलीवरिंग का, सेलिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, क्रिएशंस का, रिसर्च का, ये पूरी की पूरी सीरीज है मार्केटिंग। दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, के जो वैल्यू क्रिएट करे कस्टमर के लिए, जो है वैल्यू क्रिएट करे। तो इस प्रकार से जो है मार्केटिंग होती है दोस्तों। अभी हम इसका थोड़ा सा और रूप जानते हैं दोस्तों, प्रायोरिटी ऑफ मार्केटिंग। जो मार्केटिंग की प्रायोरिटी क्या होती है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्रायोरिटी ऑफ मार्केटिंग। जो मार्केटिंग की प्रायोरिटी होती है वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है। अभी हम लोग जानते हैं दोस्तों की ऑफ मार्केटिंग, द मार्केटिंग के कीज क्या है। देखिए दोस्तों, रिसर्च, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मेजरमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये कीज हैं आपके मार्केटिंग के। अभी हम लोग रिसर्च पे जानते हैं। रिसर्च क्या? रिसर्च व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर बिजनेस, कि आपके बिजनेस का सिचुएशन क्या है, ये रिसर्च हम लोग करते हैं सबसे पहले, कि अभी हमारा बिजनेस किस स्थिति पर है। ओके, उसके बाद में हम लोग फॉलो करते हैं एसटीपी प्रोसेस। एसटीपी प्रोसेस क्या चीज होती है दोस्तों? सेगमेंटेशंस, टारगेटिंग्स एंड पोजिशनिंग। अभी मैं बड़े आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग काफी भारी भारी भरकम वर्ड्स होते हैं दोस्तों, जिससे लोग घबरा जाते हैं। सर मार्केटिंग भी करना पड़ेगा इसमें, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसका मार्केटिंग करना पड़ता है, और मार्केटिंग बहुत टफ होता है, सर हमने ये सुना है। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें टफ दिखाई देती हैं लेकिन होती नहीं है एक्चुअल में, और बहुत ही अच्छी होती है अगर हम उसे स्टडी करके, उसे समझ के अगर हम करते हैं। तो मैंने एक अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मार्केटिंग एक एजुकेशन है दोस्तों। अगर इस एजुकेशन को अच्छे से आप रीड करके, स्टडी करके अगर आप मार्केट में उतरते हो तो आप उत्तीर्ण होते हो, आपको अच्छी सफलताएं मिलती है और आपके अच्छे रिजल्ट आते हैं आप जब मार्केट में उतरते हो। लेकिन बिना स्टडी के, बिना एजुकेशन के अगर आप मार्केट में उतरते हो, और जो एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब आपका मार्केट में होने वाला है, जो आपके सामने वाले काउंटर्स लेने वाले हैं या कस्टमर आपका एग्ज़ाम लेने वाला है, तो उस समय में बहुत बुरी स्थिति होती है जो बिना तैयारी के जाता है। तो आप लोग तैयारी करके जाइएगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट आए। अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी घबराहट सारी चली जाएगी। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, समझने का प्रोसेस है। तो अभी हम लोग चलते ही काफ़ी आपको अनभिज्ञ वर्ड्स दिखाई देंगे कि यार ये नहीं सुने हैं कभी, ये क्या होता है, टारगेटिंग क्या होता है, पोजिशनिंग क्या होता है, सेगमेंटेशंस क्या होता है। सेगमेंटेशन दोस्तों अलग अलग सेगमेंट होते हैं, अलग अलग वर्गीकृत, यानी कि यू शुड डिवाइड, कि आपको डिवाइड कर देना चाहिए कि जितना भी मार्केट का हिस्सा है आप उसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग सेगमेंट्स में। किस प्रकार से करेंगे, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से। एक एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं आपको टी बार का, जक्कन का टी बार जो अभी ओपन नहीं हुआ, वो फ्यूचर की प्लानिंग है, उसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, और एक एग्जाम्पल दूंगा जक्कन टी सेलर्स जो अभी सेलिंग चल रही है, जो चाय की सेलिंग करती हैं अलग अलग ब्लेंड्स में, अलग अलग लूज पैकिंग में, अलग अलग पैकिंग्स में जो जक्कन करती है। तो दोनों का एग्जाम्पल्स मैं आपको देते हुए समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए अभी सपोज कीजिए कि टी बार का हम एग्जाम्पल लेते हैं, और टी बार का एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपने मैनेजर से पूछते हैं कि आपके पास जो कस्टमर आते हैं उनको कैटेगराइज कीजिए अलग अलग कैटेगरी में, या अलग अलग सेगमेंट्स में विभाजित कीजिए, किस प्रकार से करेंगे। तो कहते हैं कि सर हमारे पास में तीन तरीके के कस्टमर आते हैं, नंबर एक फैमिली, नंबर दो बिजनेस पर्सन्स, नंबर तीन स्टूडेंट्स। यानी कि तीन सेगमेंट्स में उन्हें विभाजित कर दिया मार्केट के कस्टमर्स को, जो कस्टमर उनके पास में उनके टी बार्स पर आते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो यहाँ पे अगर जर्कन एक टी सेलर है, तो उनसे कहते हैं कि आप भी सेगमेंटेशन कीजिए, अलग अलग सेगमेंट्स में विभाजित कीजिए। तो कहते हैं सर हमने 10 ब्लेंड बनाए। देखिए उसमें से कुछ ब्लेंड्स का एग्जांपल लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, आपको सीधा सीधा समझ में आए। तो सर हमने किसान ब्लेंड बनाया, जो कि मेहनत कश लोग हैं, जो कि हार्ड वर्किंग करते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, इसके लिए हमने किसान ब्लेंड बनाया, उस सेगमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, उस वर्ग को मद्देनजर रखते हुए। ओके, उन्होंने कहा सर हमने होटल स्पेशल चाय बनाई, जो हम रख रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि उस सेगमेंट को मद्देनजर रखते हुए। मैंने कहा वेरी गुड। वो कहते हैं हमने टी स्टॉल चाय बनाई, सर हमने जो टी स्टॉल्स हैं, टी कैफेज हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, जो टी के स्टॉल्स हैं या शॉप्स हैं जो बना के पिलाते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए। मैंने कहा वेरी गुड। तो इस प्रकार से अलग अलग जो सेगमेंट्स में उन्होंने विभाजित किया, इसी प्रकार से आपको विभाजित करना होता है जब आप किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं, वो आगे थोड़ा सा आएगा।
तो दोस्तों ये है सेगमेंटेशंस, ठीक है, कि अलग अलग सेगमेंट में उन्होंने विभाजित किया। अब हम लोग आते हैं टारगेटिंग पर। अब हम कैफे से पूछते हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, यानी कि आपका टारगेट कस्टमर कौन होता है। वो तो कहता है सर मैं प्रेफर करता हूँ बिजनेस पर्सन को ज़्यादातर, क्योंकि वो आते भी वही लोग ज़्यादा हैं। ओके, हमने कहा थोड़ी और स्टडी करते हैं इस कैफे के बारे में, ताकि आपकी जो समझ बढ़ती जाए इस केस स्टडी के माध्यम से। और इधर हम केस स्टडी कर रहे हैं जरकन टी सेलर्स की। ओके, तो यहाँ से जो हमारे केस स्टडी चलती है, हम लोग मैनेजर से क्वेश्चंस करते हैं कि साहब आप जो है बिजनेस पर्सन पर ही ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों करते हैं। ओके, तो उसके लिए दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे एक SWOT होता है, SWOT, SWOT, SWOT यानी आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी, O फॉर अपॉर्चुनिटी, फॉर थ्रेड्स, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेड्स, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। 3C होते हैं एनालिसिस, अभी हम लोग उनको जो बोल रहे हैं मैनेजर साहब को, वो 3C के अंदर आता है दोस्तों। 3C यानी कस्टमर एनालिसिस, कंपिटिटर एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। अभी हम उन्हें कस्टमर का एनालिसिस करने के लिए बोल रहे हैं, अभी इनको भी बोलेंगे। और अभी हमने टी स्टॉल्स को, सॉरी ये कैफे को बोला, यानी कि टी बार को बोला, जो कि अभी फ्यूचर के गर्भ में है, अभी लॉन्च नहीं किया है। जरकन टी कंपनी ने काफ़ी जल्द लॉन्च करेगी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। अभी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और CNF स्थापित कर रही है कंपनी, चैनल पार्टनर्स बना रही है, उसके बाद में जो है टी बार्स भी लॉन्च करेगी कंपनी, ये जो फ्यूचर का प्लान है। तो अभी मैनेजर साहब से बोला जा रहा है कि आप जो है 3C एनालिसिस कीजिए। जो पहला सी है कस्टमर का एनालिसिस, कस्टमर का एनालिसिस, कहते हैं उस पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं। कहते हैं सर उनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ है कि हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय जो है प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये इनकी स्ट्रेंथ है। मैंने कहा तो आपकी वीकनेस क्या है। हम अब जो है, अब जो कैफे का यानी कि कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्ट्रेंथ हमारी है साहब कि हमारी एक अच्छी क्वालिटी की हम चाय प्रोड्यूस करते हैं। वीकनेस, वीकनेस वो बताते हैं कि साहब इसके हमारे प्राइस बहुत ज़्यादा है। ओके, ये उनकी वीकनेस वो बताई उन्होंने। ओके, देन हम लोग उनसे कहते हैं कि आप जो है बिजनेस पर्सन पे क्यों कंसंट्रेट कर रहे हैं, टारगेट उन्हीं पे क्यों कर रहे हैं। वो सब कि उनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, और वो ही डिमांड करते हैं कि अच्छी क्वालिटी की चाय पीने की। जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली जो है टाइम किल करने के लिए, मतलब समय व्यतीत करने के लिए आते हैं ज़्यादातर, ऑर्डर्स कम रहते हैं, समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। फैमिली जो है जिस प्लेस पर, यानी कि हम अगर 4P की बात करें, अभी 4P की मैं बात करता हूँ। 4P में क्या आता है दोस्तों, 4P में आता है आपका प्रोडक्ट, प्राइस, आपका प्लेस एंड प्रमोशन, ये चीज़ आती है। वो तो जिस प्लेस पर हम हैं वहाँ पर फैमिली ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि हम जिस प्लेस में हैं वो कमर्शियल प्लेस है। यहाँ पर जो है आपके ऑफिस ज़्यादा हैं, कॉरपोरेट्स ज़्यादा हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो है बिजनेस पर्सन ही ज़्यादातर आते हैं। ओके, देन उनका जो टारगेटिंग कस्टमर ऑडियंस है दोस्तों वो बिजनेस पर्सन है, मेनली उनका जो फिल्टर होके आया जो वो बिजनेस पर्सन है। ओके, अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। हम कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का एनालिसिस कीजिए, आप समझिए कि उसका डिमांड क्या। कहते हैं साहब उन्हें एक अच्छी क्वालिटी की चाय चाहिए, एक अच्छा एटमोसफियर चाहिए, अच्छी एम्बियंस चाहिए, जहाँ पे वो बैठे कंफर्टली बैठकर अपना वर्क कर सके, अपनी मीटिंग फिनिश कर सके, अच्छी क्वालिटी की चाय। क्योंकि उनके जो मिलने वाले होते हैं, जो मीटिंग्स होती है, उनके बिजनेस पर्सन होते हैं जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए होते हैं, उन्हें वो यहाँ पे बुलाते हैं, यहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती हैं। ओके, तो समझ में आता है। अब आप कहते हैं कि आपको, आपका जो अपॉर्चुनिटी आपको है, क्योंकि आपके आसपास में जो बहुत ज़्यादा जो बिजनेस पर्सन्स रहते हैं, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी अच्छी चाय है। वीकनेस, बोले जी प्राइस अधिक है, ये हमारी वीकनेस है। ओके, आपके थ्रेड्स क्या हैं, यानी कि आपका थ्रेड्स यानी कि आपकी फियर्स क्या हैं। फियर्स हैं सर हमारे यहाँ पे आसपास में काफ़ी सारे कैफे खुल रहे हैं, नए कैफे खुल रहे हैं। और दूसरा थ्रेड्स है सर हमारा यहाँ पे जो है लो, जो फास्ट फूड खुल रहे हैं, कॉर्नर खुल रहे हैं, लो रेंज में, लो क्वालिटी में जो फास्ट फूड कॉर्नर खुल रहे हैं। ओके, मैंने कहा कि क्या बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो अपने जो गेस्ट हैं उनको जो है लो क्वालिटी फूड्स प्रोवाइड करे, या लो क्वालिटी या चीप क्वालिटी फूड प्रोवाइड करे। बोला नहीं सर। क्या वो चाहता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठे जहाँ अनहाइजीनिक हो, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं चाहता। तो यानी कि आपको कई बार क्या होता है कि हम कंपिटिटर का, हमने जो कहा ना कि आप जो 3C का एनालिसिस कीजिए, अभी हमने कंपिटिटर का एनालिसिस किया। जो कंपिटिटर का एनालिसिस किया वो कई बार कंपिटिटर होते ही नहीं है, आप वैसे ही मान लेते हैं कि वो हमारे कंपिटिटर हैं। तो क्या इस कैफे के वो कंपिटिटर हैं, क्योंकि वहाँ जो लो फूड कॉर्नर्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्टूडेंट जाना पसंद करते हैं। ओके, वेरी गुड। फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे है ही नहीं इस एरिया में, ज़्यादातर लोग फैमिलीज में नहीं रहते हैं, हाउसेज नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, इस वजह से जो है यहाँ पे है ही नहीं।
यहाँ पे जो है मेन फोकस बिजनेस पर्सन पे। अब मैंने कहा कि उन्हीं का फोकस कीजिए, बिजनेस पर्सन को क्या सर थोड़ा सा कंफर्टेबल सीटिंग चाहिए, यानी कि उन्हें सोफा लाने की जरूरत है चेयर की जगह पे उनके लिए वहां पर, तो ये चीजें उनको जो उनके बढ़ाएगी। अब है कि प्रमोशन, ओके यानी प्राइस उन्हें घटाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट उनका ऑलरेडी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो उन्हें अच्छा बरकरार रखने की जरूरत है, मेंटेन करने की जरूरत है। प्राइस उन्हें घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइस वो पे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छी चाहिए। अगर कम प्राइस लेंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यानी फिर उनका प्लेस उनका राइट है, क्योंकि यहीं पर ही बिजनेस पर्सन अधिक लोग रहते हैं, तो उनका प्लेस राइट है। प्रमोशन, अब उन्हें प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट, अभी हम इसका केस स्टडी फिनिश करेंगे तो दूसरी चालू करेंगे। यहाँ पे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कहाँ करनी चाहिए, यानी कि जहाँ उनकी टारगेट ऑडियंस उनकी कहाँ पर है, यानी कि उनके बिजनेस पर्सन ट्रैवल करते हैं रेलवे से, बिजनेस पर्सन ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट से, बिजनेस पर्सन ट्रैवल करते हैं टैक्सी से, तो जो है उनको उस एरियाज में फोकस करना चाहिए, वहीं होर्डिंग होना चाहिए, वहीं पंपलेट्स होना चाहिए, ऑफिस में ही उनका जो है फ्लायर्स जाना चाहिए, या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, जिस प्रकार से भी उनका जो है कंपेनिंग है, उनका टारगेट ऑडियंस जहाँ पे है वहीं पे उन्हें जो है प्रमोशन करना चाहिए। लेकिन प्रमोशन क्यों करना चाहिए, अभी कुछ लोग कहते हैं कि साहब एक वो पुरानी शॉप है एक नई शॉप है, साहब प्रमोशन की किसको ज़्यादा जरूरत है, नए वाली को या पुराने वाली को, अभी हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा दोस्तों। एक मैगजीन में एक नया युवक काम करता है, यंगस्टर काम करता है, और उसे कहा जाता है कि आप जो है एक ऐड लेकर आइए मैगजीन में, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हैं तो आप जो है ऐड लेकर आइए। और शहर की वो एक जानी मानी दुकान पर चले जाते हैं जहाँ पे घड़ी की दुकान है, जानी मानी घड़ी की दुकान होती है, जो 40 साल पुरानी कम से कम घड़ी की दुकान होती है, वहाँ पे चले जाते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि सर, जो उनके वहाँ पे हेड होते हैं उनसे जाके कहते हैं कि सर आप हमारी मैगजीन में अपने जो है वॉच शॉप की जो है हमारे कंपनी में ऐड दीजिए, हमारी मैगजीन में ऐड दीजिए, जिससे आपका प्रमोशन होगा। तो वो मालिक उन्हें वो आंसर देते हैं, जो घड़ी के कंपनी के मालिक है वो उन्हें कहते हैं कि बेटा हमारी दुकान जो है 40 साल पुरानी दुकान है, शहर का कोने कोने में हर बच्चा हमारी दुकान को जानता है, हर बंदा जो हर व्यक्ति हमारी दुकान को जानता पहचानता है, तो हमें ऐड की जरूरत नहीं है। ओके तो कहते हैं कि साहब को चाय पिलाइए, यानी कि जो यंगस्टर आए हैं कि इनको चाय पिलाइए। इतने में जो है मंदिर की घंटी की आवाज़ आती है, और कहते हैं कि मुझे मंदिर जाने की घंटी बज गई है, अब मुझे जो मंदिर जाने का समय हो गया है, 5 बज गए हैं, तो मुझे मंदिर जाना है, मुझे याद आया कि अभी मुझे मंदिर जाना है। ओके तो वो जो यंगस्टर होता है वो पलट के क्वेश्चन करता है उनसे, मालिक से, कि सर आप ये मुझे ये बताइए कि जब आप मुझसे बातचीत कर रहे थे और जब तक कि ये घंटे की आवाज़ नहीं आई थी, तब क्या तब तक आपको याद था कि आपको मंदिर जाना है? तो मालिक कुछ सोचता है और कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा याद नहीं था, लेकिन जैसे ही घंटे की आवाज़ आई तो मुझे याद आया कि मुझे मंदिर जाना है। तो बोला सर ये मंदिर कितना पुराना है? वो लड़का पूछता है कि ये मंदिर कितना पुराना है? वो कहते करीबन 200 साल पुराना ये मंदिर। बोले सर देखिए कि 200 साल पुराने मंदिर को आज भी घंटे की जरूरत पड़ती है अपने आप को याद दिलाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी दुकान तो केवल 40 साल पुरानी। तो मालिक कुछ समय के लिए सोचता है और फिर कहता है कि मुझे ऐड दे देनी चाहिए। यानी कि आप देखिए दोस्तों के 40 साल पुरानी दुकान को भी प्रमोशन की जरूरत पड़ती है, तो इसी प्रकार से नई को भी जरूरत है, पुरानी को भी जरूरत है, दोनों को जरूरत पड़ती है प्रमोशन की। तो प्रमोशन की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। तो ये थी प्रमोशन की अहमियत। प्रमोशन कहां करना चाहिए? आपकी टारगेट ऑडियंस जहां पर रहती है। ओके अब आपका प्राइस किस प्रकार से होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू पोजिशनिंग, जैसा कि प्रोडक्ट आप पोजिशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। पोजिशनिंग क्या चीज होती है, अभी मैं वो समझाता हूं आपको दोस्तों। देखिए जब आप प्रीमियर, अभी यहां से अब इसकी इस केस स्टडी से हम समझेंगे कि पोजिशनिंग, यहां पे पोजिशन इन्होंने कर दिया, अपने कैफे को पोजिशन कर दिया कि इन्होंने जो है इनका कैफे का पोजिशनिंग हो चुका है कि बिजनेसमैन के लिए, स्पेशली बिजनेसमैन के लिए टारगेट ऑडियंस इनकी बिजनेस पर्सन है। ओके प्रमोशन इन्हें कहां करनी चाहिए? जहां जहां बिजनेस पर्सन घूमता है, जिस एरिया में जहां जहां उसे दिखाई देती है, क्योंकि एक फनल का काम करता है, वो हम आगे समझाएंगे आपको फनल्स क्या चीज होती है, कि फनल्स का काम करती है, कि किस प्रकार से वो आपके सेल में कन्वर्ट होती है, क्योंकि सेल इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेल्स को भी सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कितना भी तेज किया जा सकता है, इस धार को कितनी भी तेज किया जा सकता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज हो जाएगा और उतनी ज़्यादा सेल आप कर पाएंगे दोस्तों। जितना अच्छे से आप वीडियो देखेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा परफेक्ट होने वाले हैं, जितनी ज़्यादा आप एजुकेशन लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने पोजिशनिंग कर दी है। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनकी पोजिशनिंग किस प्रकार से। इन्हें ये कहते हैं कि हमने अलग अलग ब्लैंड बनाए, यानी कि किसान स्पेशल्स, रॉयल्स ब्लैंड, प्रीमियर ब्लैंड जो इनका है, प्रीमियर ब्लैंड जो है वो है दोस्तों
प्राइम प्राइम ग्रेड यानी कि इसके प्राइम कस्टमर है, तो उसका जो प्राइस है वहाँ पे प्राइस जो है हाई रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि हाई क्वालिटी हाई प्राइस प्रीमियम यानी कि इनकी पोजीशनिंग हुई प्रीमियर ब्रांड की पोजीशनिंग हो गई। आप इसे तीन हिस्सों में समझ सकते हैं दोस्तों, रेगुलर ब्रांड यानी कि लो कैटेगरी, मीडियम यानी कि आप चाहे उसे गोल्ड कह लीजिए या मीडियम कह लीजिए या कुछ भी नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ कुछ अपना प्रीमियर ब्रांड को भी गोल्ड बोलते हैं, अलग अलग संबोधन देते हैं अपने अपने ब्रांड्स को, वहाँ पे आप जो उस रेट में पोजीशनिंग करेंगे और उसको जो है फाइनल पोजीशनिंग जो प्रीमियर ग्रेड्स जो आपने कर दिया या रॉयल ब्रांड जो है, ये दोनों जो है इनका जो है प्रीमियर ग्रेड्स में आता है जिसे पोजीशनिंग किया हाई रेंज के प्राइस में। तो इस प्रकार से आप प्राइस सेट कर सकते हैं दोस्तों, आप हर एक जगह पर प्राइस को जो है कंपेयर नहीं कर सकते कि आप जो है देखिए टाटा की अगर चाहे हम दे टाटा अग्नि लो रेंज में उन्होंने जो पोजीशनिंग की, टाटा गोल्ड उन्होंने हाई रेंज में उसे पोजीशनिंग किया हाई रेंज में, बीच में भी उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जो बीच की रेंज में पोजीशनिंग हुए, तो ये होती है पोजीशनिंग कि आप कहाँ पोजीशनिंग करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड की। जैसे मारुति है दोस्तों, अगर मारुति का एग्जांपल दूं, उन्होंने एक रेगुलर ब्रांड में पोजीशनिंग की अपने आप को, बीएमडब्ल्यू प्रीमियर ग्रेड में उन्होंने पोजीशनिंग कर दी अपनी, यानी कि उनका हाई है यहाँ पे जो है उनका रहने वाला है कि हाई प्राइस रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये समझ गए दोस्तों, ये होती है पोजीशनिंग। अभी उसके बाद होता है दोस्तों मेजरमेंट, फिर होता है दोस्तों उसका ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ हमने ब्रीफ में कवर किया है अपने जो बेसिक कोर्स है उसमें हमने ब्रीफ में इसको कवर किया है दोस्तों, आप बेसिक कोर्स लीजिए उसको देखिए। अभी देखिए जैसे लोकडाउन का समय था तो जिन लोग जो लोग समझदार थे उन लोगों ने जो है बेसिक कोर्स लिया, अपना जो टाइम जो है उसको अपनी स्टडी में व्यतीत किया और उसे अपने इम्प्रूव किया, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, अपनी मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया सीख का। अभी हम देखते हैं दोस्तों कि जो वीडियो कोर्स है उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, अगर आप वीडियो कोर्स लेते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अभी हम आपको बताते हैं। पहला बेनिफिट दोस्तों नो टाइम बाउंड, कि यहाँ पे कोई टाइम बाउंड नहीं है कि हम जितना चाहें उतना कंटेंट हम दे पा रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग करते हैं उसके अलग इम्पैक्ट होते हैं। देखिए लाइव ट्रेनिंग जो होती है जैसे कि आप जब प्रेजेंट होते हैं, लाइव ट्रेनिंग का मतलब मेरा वो है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब नहीं है, लाइव जब आप उस सेशन में प्रेजेंट होते हैं उसका क्रेज अलग होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, उसका एटमोसफियर अलग होता है, उसका माहौल अलग होता है, उसके अलग बेनिफिट्स हैं लेकिन उसके अलग एक्सपेंसेस हैं। पीसी यानी पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आप आते हैं उसके अलग बेनिफिट्स हैं, वो अपनी जगह अहमियत रखती है, और जो वीडियो कोर्स है वो अपनी जगह अहमियत रखता है। पीसी में आने का बेनिफिट भी तभी है जब या तो आप एक ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हों या फिर आपने वीडियो कोर्स अटेंड कर लिया हो, तब आपका जो पीसी में आने का जो फुलफिल हो जाता है, आपका सार्थक हो जाता है आपका आना, जो आप ट्रैवलिंग करके आते हैं वो सार्थक हो जाता है क्योंकि आपके वो सारे क्वेश्चन मैच्योर हो जाते हैं, आपको पूरी लगभग बेसिक नॉलेज हो चुकी होती है चाय बिजनेस की। तो पहला बेनिफिट है दोस्तों वीडियो कोर्स का कि कोई टाइम बाउंड नहीं है, यहाँ पे कोई कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है, हम अनलिमिटेड कंटेंट्स दे पा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ट्रेनिंग में वन डे या टू डे की ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास टाइम बाउंड रहता है, हमें 5 और 10 आवर्स के अंदर जो है सारा कंटेंट डिलीवर करना होता है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम फुली कंटेंट्स आपको दे पा रहे हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं है, आपके लिए भी नहीं है कि आप घर बैठे जिस समय में आपको सुटेबल लगे उस समय में आप एक एक घंटा दो दो घंटा करके उसको देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं। नंबर दो, दूसरा बेनिफिट है दोस्तों इसमें क्विज है, क्विज से जब आप क्विज को क्रॉस करते हैं, जब क्विज आपके आंसर देते हो आप क्विज के, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि जो आपने देखा है वो उतना साथ है। ये क्विज पॉसिबल नहीं है ट्रेनिंग में, पॉसिबल नहीं है कि आप जो लाइव ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हमारे साथ में तब वो पॉसिबल नहीं है कि हम आपको क्विज भी करवाएं, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कॉन्फिडेंस ही सब कुछ करता है दोस्तों। कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों लाइफ टाइम एक्सेस, इसका हम लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं आपको, कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि आपका ये लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, जब चाहे तब आप इसे देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेबल है, रिवाइज कर सकते हैं, जब जिस कंटेंट की जरूरत है आप तब उसको देख सकते हैं, जब आप पैकिंग करा रहे हैं तब आप पैकिंग को सुन सकते हैं, पैकिंग को देख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं इसको। अभी जैसे कि हमारे एक जो डिस्ट्रीब्यूटर बुक हुए उन्होंने जो है पहले वीडियो कोर्स लिया, पूरी तरह उसे समझा, उसकी पीडीएफ ली, उसको समझा और फिर वीडियो कोर्स भी साथ साथ में देखा, तो पीडीएफ और वीडियो कोर्स दोनों जरूरी है, तो दोनों आपके लिए अहमियत रखता है। तो आप देख सकते हैं जब आप पैकिंग के लिए पैकिंग छपवा रहे हैं तब आप पीडीएफ देख पीडीएफ निकालें, उसमें पैकिंग से लिए क्या क्या प्ररूप है तो वो सारे आप टिक कर सकते हैं, चेकलिस्ट आपकी बन जाती है दोस्तों। सबसे अच्छी बात पुट योर क्वेश्चंस, कि आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, इंक्वायरीज आती हैं, वो नीचे जो है एक कमेंट बॉक्स है हमारा, वहाँ पे आप जो है अपने कमेंट कर सकते हैं जिसके आंसर हम लोग देते हैं, उस पर पूरा वीडियो भी हम लोग बना देते हैं, पूरा वीडियो बना के भी हम अपलोड कर सकते हैं उस पर, कि जितने आपके क्वेश्चन आए उसका पूरा पूरा वीडियो बना के हम लोग अपलोड कर सकते हैं, ये सारा का सारा हम उसके आंसर्स आपको दे सकते हैं। एक पर्सनल टच बन जाता है,
पर्सनल टच बन जाता है आपका और हमारे बीच में, क्योंकि वो सीरियस लोग ही हैं जो लोग कोर्स तक पहुंच रहे हैं, वो सीरियस हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में या चाय बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, वही लोग पहुंच रहे हैं वहां तक, तो उनके लिए एक पर्सनल टच बन जाता है, उनके लिए कुछ किया भी जा सकता है दोस्तों। फिर आपका आता है कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे बड़ा है तो कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि जिस कॉस्ट में आपको ये मिल रहा है दोस्तों, ये आपके चाय पानी का, दो दिन का चाय पानी का खर्चा है सिर्फ, समझिए। अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं या कहीं भी थोड़ा सा किसी नॉलेज को लेने जाते हैं, एक भी अगर आपने पैकिंग यूनिट भी विजिट कर लिया कहीं पे, आपने पैकिंग की नॉलेज लेने गए, तब भी आपका इतना एक्सपेंस होने वाला, यहाँ पे वो सारी आपकी सेव हो जाती है दोस्तों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, उससे ज़्यादा नॉलेज जितनी कि आप वो खर्च करके भी नहीं हासिल कर पाते, उससे ज़्यादा नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों टाइम सेविंग, टाइम सेविंग भी है आपको, जो अननेसेसरी ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ता, आपका टाइम सेव हो जाता है टोटली, जो है आपको घर बैठे हुए पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाती है दोस्तों। और दूसरा लास्ट में आता है दोस्तों आपका जो है सर्टिफिकेट्स, आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो सर्टिफिकेट्स आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, आपको एक अच्छा फील करवाएगा, आपको जो आपके ऑफिस की शोभा बढ़ाएगा, आपके जो है शॉप की शोभा बढ़ाएगा कि आपने एक ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया, बेसिक टी ट्रेनिंग का कोर्स, जो कि आपके जो है आने जाने वालों के लिए एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ यार ये बंदा जो एजुकेट है, जो काम कर रहा है वो एजुकेशन लेके काम कर रहा है, इसे नॉलेज है कुछ, तो ये आपके एक कस्टमर पे अच्छा इफेक्ट डालता है दोस्तों आपका जो ये सर्टिफिकेट्स होता है। तो अब इसको काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास, सर हम कैसे लें, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इतने अधिक मेच्योर नहीं है कि वो बहुत अच्छे से इनकी नॉलेज रखते हों, टेक्निकल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पूछते हैं सर हम कैसे लें। तो लेने के तरीके मैं आपको बताता हूँ, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो चेकआउट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे करके जो है अपना ये कोर्स ले सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन कॉस्ट में आपको मिल रहा है दोस्तों, बहुत ही जेन्युइन में। अभी तो ऑफर प्राइस चल रहा है तो आप ऑफर प्राइस का फायदा उठा सकते हैं, महंगा होने से पहले पहले आप ले लीजिए दोस्तों इस कोर्स को और अपना जो नॉलेज को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों आपका coachup.tech, जो कि हमारी साइड है, जो कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जितने कोर्सेज जितने ट्रेनिंग्स हमारी यही ऑर्गेनाइजेशन जो है देख रेख करती है उसका, तो उसकी साइट पर जाकर भी आप जो है इसे परचेज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आप jerkanshop.in के शॉप पेज पर जाकर भी आप जो है ऊपर आपको जो है कैटेगरीज में आपको दिखाई देगा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वहां पर कोर्स दिखाई देंगे, पीडीएफ का ऑप्शन होगा, पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं, जितनी भी पीडीएफ है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स की वो परचेज कर सकते हैं और आप जो है वीडियो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं हो रहा हो तो दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे भी शायद दिखाई दे रहा है आपको, 8448440399, यहाँ से भी आप इसे जो है परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो वो आपको सारा गाइड कर देंगे किस प्रकार से आप इस कोर्स को ले सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं और इसके बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों। देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए। और हाँ दोस्तों, जब आप jerkanshop.in पर आ रहे हैं तो नीचे आइएगा, अगर आप अपडेशन चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे रेगुलर अपडेशन मिलती रहे टी बिजनेस के रिगार्डिंग या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए तो उसके रिगार्डिंग, तो आप जो jerkanshop.in के होम पेज पर जब आते हैं तो नीचे जाइएगा फुटर में आपको न्यूज़ लेटर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आप अपनी मेल आईडी डालकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी मेल पर अपडेट्स आती रहेंगी। और जब आप फुटर्स में आए गए हैं तो दोस्तों साथ में लगे हाथ जो हमारा फेसबुक पेज है उसे लाइक करना मत भूलिएगा, उसे लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, आपके लाइक से हमारे हौसला बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मार्केटिंग का अगर आप पूरे मास्टर बनना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है आपका वीडियो कोर्स के अंदर, और उसके बाद में आप जो मास्टर कोर्स तक आप अपना सफर तय कीजिए और अपने सफलता के आयाम तय कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।